जैसे यहां पर एक प्रॉब्लम है, फाइंड द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू -3, 4 एंड पैरेलल टू 3y इक्वल टू 2x-5। तो पहला प्रॉब्लम ये है, फाइंड द स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू -3, 4 एंड पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन 3y इक्वल टू 2x-5। क्या दिखाई दे रहा है सबको? ओके, यस सर, तो यस सर। इसका प्रोसीजर बताओ, कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन का प्रोसीजर? अगर किसी को कुछ भी थोड़ा बहुत पता चल रहा है तो बोलो, नहीं तो मैं तो अभी करवा ही दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भी बताओ अगर याद आ रहा है तो, कुछ भी इसको किस तरह से किया जाए। वैल्यू वैल्यू निकालेंगे इसका अच्छा, सर, किसका टू वैल्यू पॉइंट वन से निकालेंगे? हाँ बोलो सचिन, बोलो। वैल्यू निकालेंगे सर इसका। वैल्यू तो निकालना ही है, लेकिन किसका वैल्यू निकालेंगे? एक्स का या वाई का? एक्स का या वाई का? लेकिन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में तो एक्स वाई तो रहता है ना। जी स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन निकालेंगे तो उसमें तो एक्स वाई तो रहता ही है। जी कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर लिखेंगे तो उसमें एक्स और वाई तो मौजूद रहेगा ही। जैसे यहाँ पर देखो, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है ना, 2y = 3y = 2x-5, ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन में तो एक्स और वाई तो रहता ही है, तो फिर निकालना क्या है हमको? इसके लिए हमको, हमने जो फॉर्मूला पहले बताए थे पैरेलल इक्वेशन का, वो फॉर्मूला हमको याद रखना है। मैंने पहले ही दिन बताया था, मतलब इसका पहले दिन, कल अगले क्लास में, पहले के क्लास में, कि एक स्ट्रेट लाइन का अगर पैरेलल इक्वेशन होता है तो उसको किस तरह से लिखा जाता है, ये हम लोग पहले दिन बोले थे ना। हाँ सर, AX+BY+C=0। यस, तो मान लो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये जो यहाँ पर है, ठीक है, 3y = 2x-5। तो ये तो स्ट्रेट लाइन का जो स्टैंडर्ड एक्चुअली फॉर्म जो है उसके हिसाब से तो नहीं है ना। तो क्या करना होगा इसको, पहले इसको पहले स्टैंडर्डाइज करना होगा। इसको किस तरह से लिखेंगे, 2x-3y-5=0। क्या लिख सकते हैं इस तरह से? एक्स हाँ सर, लिख सकते हैं। वाई जो है ये उस साइड चला जाएगा, तो ये -3y हो जाएगा ना, तो 2x-3y-5=0। समझ में आ रहा है? ओके, अब हम यहाँ पर देखो कंडीशन क्या दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस स्ट्रेट लाइन, मतलब ये स्ट्रेट लाइन इसका पैरेलल होगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? जो स्ट्रेट लाइन हमको निकालना है वो इसका पैरेलल होगा, है ना? यस यस। तब ये बताओ इस स्ट्रेट लाइन का पैरेलल इक्वेशन क्या होगा? बताओ, 2x-3y-5=0, इसका पैरेलल इक्वेशन क्या होगा? धनीराम, प्रभात, इशिका, कोई भी हो, बताओ। सर, 2x-3y-k=0। गुड, 2x-3y+k=0। मैंने बताया था ना कि एक्स और वाई जो टर्म है वो सेम रहेगा, बस खाली कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। तो सर इसमें प्लस का माइनस के होगा ना सर? नहीं, +2 -2 उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ये चीज अच्छा सेम ठीक है रहेगा, सर। 2x-3y ये चीज सेम रहेगा पैरेलल के द्वारा ना। तो जब इसका पैरेलल निकालना है तो ये 2x-3y रहेगा, बस खाली कांस्टेंट जो है वो चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब हमको क्या करना है, यस सर हमको करना है क्या, ये जो k, जो अननोन टर्म जो है यहाँ पर k, इसका वैल्यू निकालना है। अगर ये निकाल लेंगे तो हमारा काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ठीक है?
तो ये तो इक्वेशन का जो फॉर्म है वो तो लिख लिए। अब के का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो पहले का कंडीशन दिया था प्रॉब्लम में, फाइंड द स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, है ना। मतलब जो स्ट्रेट पास लाइन हमको निकालना है वो कौन सा पॉइंट से पास करेगा, -3 और 4 से, -3 4। -3 और तो 4 यहां पर से। एक्स का जगह -3 और वाई का जगह 4 क्या पुट कर सकते हैं, यस सर, कर सकते हैं। यस ओके। सर। देयरफॉर इक्वेशन 2 इज पासिंग थ्रू -3 4। देयरफॉर वी कैन पुट एक्स इक्वल टू -3 एंड वाई इक्वल टू 4 फ्रॉम इन दिस इक्वेशन। सो 2 × -3 -3 × 4 प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ से के का वैल्यू भी निकल जाएगा, -6 -12 प्लस के इक्वल टू 0 और -18 प्लस के इक्वल टू 0 और के इक्वल टू 18। समझ में आया सबको, यस सर। ओके। अब जो के हम लोग यहाँ पर लिखे थे उसका जगह ये 18 पुट कर देंगे। Therefore, the equation is कितना होगा, 2x - 3y plus 18, 2x - 3y plus 18 equal to 0, यही होगा हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। समझ में आया, सर यस बोलो। हाँ, सर, अगर -18 आता तो वहां पे -18 लिखते। तो यहाँ पर -18 लिखते हैं, जो आएगा उसी k का जगह वही लिखेंगे, ठीक यस सर। है ना, ओके। तो ये हो गया पैरेलल। अब सेम इसी तरह से हम लोग परपेंडिकुलर का भी निकाल सकते हैं, वो भी एक दिखा निकाल के दिखा दे रहा है, तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक है, एक प्रॉब्लम यहाँ पर है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फाइंड द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू 2x + 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू 2 - 3। देखो दोनों प्रॉब्लम लेकिन सेम है, बस इसमें कंडीशन अलग है। पहले का कंडीशन था पैरेलल और इस बार का कंडीशन है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। बस दोनों प्रोसेस लेकिन सेम होगा। क्वेश्चन समझ में आया सबको, यस सर। ओके। तो हमको क्या निकालना है, एक स्ट्रेट लाइन निकालना है जो 2 - 3 पॉइंट से पास कर रहा है और दिस स्ट्रेट लाइन का पैरेलल परपेंडिकुलर होगा। पहले का जो था वो पैरेलल था, अभी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो बताओ कुछ क्लियर हो रहा आ रहा कुछ इसमें से, यस सर। ये तो यस हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब जो इक्वेशन हमको निकालना है वो क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर होगा, है ना। यस सर। तो इसका परपेंडिकुलर इक्वेशन क्या होगा, 3x + 2y, 3x - 2y थ्री प्लस k इक्वल टू जीरो, टू एक्स माइनस 2y प्लस वाई प्लस के टू। इक्वल टू 0। समझ में आया। यस सर। अब दूसरा कंडीशन क्या दिया था, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, यस सर। मतलब x का जगह 2 y और y का जगह माइनस थ्री यहां पर पुट कर -3। सकते हैं ना। यस सर, -3। नाउ इक्वेशन 2 इज पासिंग थ्रू 2 - 3, देयरफॉर 3 × 2 - 2 × -3 प्लस के इक्वल टू 0 और 6 + 6 + k = 0 और 12 + k = 0 और k = -12। समझ में आया, यस सर। ओके। अब क्या करना है, k को यहां पर रिटर्न कर देना है ना। यस सर। देयरफॉर द इक्वेशन इज 3x - 2y, k का जगह कितना पुट करेंगे, -12। -12। तो ये कितना होगा, -12 हो जाएगा ना। समझ में आया, यस सर। ओके। तो इस तरह से हम लोग को स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है।
और भी बहुत सारा प्रॉब्लम था, लेकिन अभी लगभग इतना ही में तुम्हारा पूरा स्ट्रेट लाइन का जो क्वेश्चन है वो इसी में से हो जाएगा। और एक प्रॉब्लम मैं दिखा दे रहा हूँ, तो शायद पूरा जो लेसन है वो क्लियर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम यहाँ पर दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग -5 1 एंड 7। सर सर बोलो। एक सर हाँ बोलो बोलो बोलो। इसका डायग्राम डायग्राम नहीं बना सकते हैं इसका? हाँ जरूर जरूर, डायग्राम बना सकते हो, अगर समझ में नहीं आया तो डायग्राम तुम बना सकते हो। ठीक एक बार है बना दीजिए ना। ठीक है, बना देंगे, कोई बात नहीं। दूसरा जो इक्वेशन दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग -5 1 4 7 एंड 3 -4। क्या समझ में आया सबको? हेलो। यस ये प्रॉब्लम समझ में आया सबको? क्या निकालना है यहाँ पर, यहाँ पर निकालना क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ मतलब इक्वेशन इक्वेशन निकाला है। हाँ, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। कैसा है एक स्ट्रेट लाइन? जो पैरेलल होगा टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट्स 5 1 एंड 4 7 एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 3 -4। मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल है इसका साथ पैरेलल होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच जो स्ट्रेट लाइन होगा उसका साथ पैरेलल होगा और 3 -4 पॉइंट से पास कर रहा होगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस ओके, तो कैसा निकालना स्ट्रेट लाइन, मैं डायग्राम से समझा देता हूँ। ये पॉइंट मान लो ए और ये मान लो बी है, तो जो स्ट्रेट लाइन होगा दोनों पॉइंट के बीच वो ये होगा ए बी। समझ में आ रहा है? अब हमको क्या निकालना है, इसका साथ जो पैरेलल होगा लाइन, मतलब इस तरीके का लाइन होगा पैरेलल लाइन, इसका इक्वेशन हमको निकालना है। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। और ये जो पॉइंट है 3 -4 कहाँ होगा? इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर होगा। समझ में आया अभी? यस सर। हमको ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इसका साथ पैरेलल है और 3 -4 पॉइंट से पास कर रहा होगा। मतलब 3 -4 कहाँ होगा? स्ट्रेट लाइन का ऊपर कहीं होगा, कहीं भी, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो हमको ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो अभी ये यस सर। बताओ, पहले तो हमको ये जानना है ना कि
ये जो ए बी स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन क्या है, क्या होगा, पहले हमको ये जानना है, क्योंकि इसका ये जब तक ये लाइन हम लोग नहीं जान पाएंगे तो इसका पैरेलल इक्वेशन कैसे निकालेंगे, है ना। जब तक हमको ये ए बी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं मालूम होगा तो इसका पैरेलल लाइन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नो नहीं लिख सकते। तो सर, पहले हमको ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। अब ये बताओ ये स्ट्रेट लाइन जो है ये दो पॉइंट से पास कर रहा है ना, ए बी, ए एंड बी, ये दो पॉइंट से हम ये स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है। तो दो यस पॉइंट सर, अगर कोई स्ट्रेट लाइन पास करेगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा, ये तो पहले बताया था एक्स मैंने। माइनस एक्स वन और वाई तो एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वन वन, यस। तो ये पहला बाय पॉइंट ये मान इक्वल लो टू एक्स एक्स वन टू पॉइंट माइनस है, एक्स वन, ठीक है ना, और ये यस मान लो सर, एक्स टू वाई टू, ठीक है। देयर फोर इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग माइनस टू फाइव वन एंड 4.7 क्या होगा, एक्स माइनस पॉइंट एक्स वन मतलब माइनस फाइव, तो ये प्लस फाइव हो जाएगा, डिवाइड बाय वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइड बाय वाई टू माइनस वाई वन। समझ में आया सबको, क्या मैंने सही लिखा है, यस सर, यस ये पहला सर, पॉइंट मान लो हाँ एक्स सर, वन वाई सही वन, है दूसरा सर, पॉइंट मान लो एक्स टू वाई टू, तो दोनों पॉइंट के बीच जो स्ट्रेट लाइन होगा उसको इक्वेशन ये होता है ना, एक्स माइनस एक्स वन बाई वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन बाई वाई टू माइनस वाई वन। समझ में आया सबको, धनीराम क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो धनीराम। नो सर, ओके, तो इसका इक्वेशन हम लोग निकाल लेते हैं, एक्स प्लस फाइव बाई वाई माइनस वन इज इक्वल टू नाइन बाई सिक्स, तो ये हो जाएगा 3/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना होगा, बताओ कोई एक बताओ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2x प्लस 5 2x इक्वल टू प्लस 3y फाइव माइनस टेन 3, टेन नहीं फाइव नहीं होगा, 2x प्लस यस टेन सर, 10 होगा, 10 होगा, इक्वल टू टू ये एक्स कितना प्लस होगा, फाइव यस और 2x प्लस 10 माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, और 2x माइनस 3y प्लस 13 इक्वल टू 0। समझ में आया सबको अभी। सर, अब देखो पहले का जैसा था वैसे ही होगा, अब हमको जो स्ट्रेट लाइन निकालना है वो क्या होगा, इसका साथ पैरेलल होगा, है ना, यस सर, मतलब इसका साथ पैरेलल होगा, तो यस सर, इसका पैरेलल इक्वेशन क्या होगा बताओ, 2x माइनस 3y प्लस k इज इक्वल टू 0। गुड। तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वन इज 2x माइनस 3y प्लस k इक्वल टू 0, है ना। यस सर, अब क्या करना है, क्यों, एक्स के जगह पे 3 पुट करना है और वाई की जगह पे क्योंकि -4। ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन ये पॉइंट से पास कर रहा है ना, तो ये जो यस पॉइंट सर, होगा इसको सेटिस्फाई करेगा, यस सर, मतलब x का जगह हम 3 और y का जगह माइनस 4 यहां पर पुट कर सकते हैं ना। नाउ इक्वेशन टू इज पासिंग थ्रू 3-4, देयरफॉर 2 × 3 − 3 × −4 प्लस के इक्वल टू 0, और 6 + 12 प्लस के इक्वल टू 0, और 18 + k = 0 और k = −18। समझ में आया सबको, ओके। यस सर, अब क्या करना है, यस सर, ये k जो है यहाँ पर वापिस कर देना है ना। देयरफॉर द इक्वेशन इज कितना होगा, 2x बताओ माइनस 3y, गुड, -13 टू एक्स इसका टू माइनस थ्री जीरो, वाई माइनस 18 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारा सेकंड। क्लियर हो सबको, ओके। तो स्ट्रेट लाइन में बस इतना ही और ज्यादा कुछ तो यहाँ पर है नहीं। अब जितना तुम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते जाओगे उतना जो डाउट थोड़ा बहुत बचा रहेगा वो भी क्लियर होते जाएगा, ठीक है ना। हमने तुमको जितना मतलब थ्योरम जितना होता है स्ट्रेट लाइन का वो सब लगभग हम लोग डिस्कस यहाँ पर कर चुके हैं, इसके अलावा और यहाँ पर कुछ नहीं है।
तो अब बताओ, कहीं भी कोई दिक्कत है तो बताओ फिर। स्ट्रेट नो सर, लाइन में कहीं भी कुछ भी समझने में अगर प्रॉब्लम हो तो बताओ। सुनाई दे रहे सबको? क्या सबको सुनाई दे रहा यस सर, है? तो बताओ, कहीं भी कोई दिक्कत है तो बताओ। दिक्कत कहीं नहीं होता है सर, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आता है तो बनता नहीं है, क्वेश्चन आता है तो पता बनता नहीं है सर। नहीं, बनता नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश करते रहना। ठीक है, जहां भी तकलीफ हो या प्रॉब्लम हो समझने में तो ग्रुप तो है ही, सवाल पूछ लेना कहीं भी। ठीक है, यस सर, तो स्टेट लाइन में लगभग इतना ही। अब थोड़ा डिवीजन में आते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम का। रिवीजन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये तो हो चुका है पहले, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन करूंगा, तुम लोग थोड़ा आंसर देने का कोशिश करो। पहले ये बताओ, कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा होता है, क्या होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्चुअली, ये है क्या? आदित्य, आदित्य, यस तुम जब, मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम जब हुआ था तब तुम थे क्लास में, तो सर, बताओ कोऑर्डिनेट सिस्टम किसे कहते हैं हम लोग, क्या है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, है क्या? धनीराम, इशिका और सर जो यहाँ कोऑर्डिनेट पर, सिस्टम मतलब हुआ सर, दो जो प्लेन होता है, एक्स प्लेन और वाई प्लेन, उसके अंदर जो हमारा एक्स और वाई एक्स हाँ यहाँ पे, लेकिन सर आर और थीटा के रूप में हम लोग यूज करते हैं पोलर के लिए, यस तो हाँ, ये तो कार्टेशियन के स्पेसिफिकली लिए मतलब एक्स बहुत और वाई सकते हैं। यूज करते हैं। यस, तुम जो बोल रहे हो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम सर चार स्पेसिफिकली नहीं है। कोऑर्डिनेट अपना होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, फर्स्ट हाँ, क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब तुम जो बोल रहे हो वो स्पेसिफिकली करेक्ट है। दो दो एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होगा, है ना? हाँ सर, तो अगर इन जनरल हम लोग अगर ये बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इन जनरल हम लोग को यही बोलना है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ सेट ऑफ और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इच अदर। ठीक है ना? अब उसको हम लोग एक्स एक्सिस नाम दे या वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस, कुछ भी नाम दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम जो बोल रहे थे, प्रभात जो बोल रहे हैं वो स्पेसिफिकली करेक्ट है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोल सकते हैं, वो स्पेसिफिकली करेक्ट है, मतलब पर्टिकुलर केस। लेकिन इन जनरल हम लोग क्या बोलेंगे? कोई भी स्ट्रेट लाइन, कोई भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा, मतलब एक अगर इस तरह से होगा तो दूसरा इस तरह से होगा। ठीक है ना? हाँ ये सर, दो लाइन अगर है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये दो एक्सिस रहेगा, एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक होता है वर्टिकल एक्सिस। ठीक है ना? अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं, और वर्टिकल एक्सिस को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं इन जनरल, सॉरी इन पर्टिकुलर। इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही लिया जाए, कुछ और भी हम लोग नाम ले सकते हैं, लेकिन हम लोग जितना कर रहे हैं उसमें क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों नाम ही हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस, और दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन ओरिजिन। सर, ओरिजिन इसे हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। जनरली हम लोग ये जीरो जीरो मान के चलते हैं, मतलब जहां से स्टार्ट करते हैं वो 0.0 होता है ना? अब इसमें दो वैल्यू आता है, एक साथ एक आता है एक्स का वैल्यू और दूसरा आता है वाई का वैल्यू।
है ना। अब इन दोनों का नाम होता है, अलग अलग नाम है, क्या नाम है कुछ बता सकते हो? एक्स एक्स का जो वैल्यू होता है, मतलब कोई भी एक पॉइंट अगर मान ले हम एक्स कॉमा वाई, तो एक्स को क्या बोला जाता है और वाई को क्या बोला जाता है, पता है कुछ? एक्स को एफ सीसा, वाई को ऑर्डिनेट। गुड। एक्स को बोला जाता है एब्सिसा और वाई का बोला जाता है ऑर्डिनेट। गुड। तो पहले कौन सा लिया जाता है, एब्सिसा या ऑर्डिनेट? एफसीसा एब्सिसा पहले लिया एफसीसा जाता है और सेकंड में लिया जाता है ऑर्डिनेट। जो भी पॉइंट होगा, पहले लेना है एक्स को, दूसरी बाद में लेना है वाई को, मतलब पहले लेना है एब्सिसा को और सेकंड में लेना है ऑर्डिनेट को, कोई भी पॉइंट, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको कितना भाग में बटा गया है, चार भाग में, फर्स्ट चार। ये होता है पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, ये थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, है ना। जो क्वाड्रेंट काउंटिंग होता है वो हमेशा किस दिशा में काउंटिंग होता है, एंटी लेफ्ट क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। गुड। एंटी क्लॉकवाइज हमेशा काउंटिंग होता है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ये जो है पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है ना, डायरेक्शन वाइज। हो गया। अब कोई भी अगर पॉइंट हमको दिया जाए तो वहां से हम लोग बता सकते हैं कि वो पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट में होगा। जैसे मान लो -3,5, तो ये पॉइंट देख के हम लोग क्या बता सकते हैं कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, बताओ हाँ सर, कौन सा क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट में होगा सर, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट, क्यों? एक्स क्योंकि एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, एक्स मतलब नेगेटिव, वाई पॉजिटिव ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, है ना। है। यस सर, उसी तरह से कोई भी पॉइंट अगर हम ले सकते हैं, -5,-4, ये कितना कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, ये थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, क्यों? एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, यस सर। ठीक है ना। तो ये हो गया क्वाड्रेंट के हिसाब से भाग। अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो हम लोग आते हैं, कोई भी एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट मान लो, ये एक एक्सिस है, ये एक पॉइंट है ए कॉमा बी, तो इस साइड कितना आएगा, ए आएगा, है ना, और इस साइड कितना आएगा, बी बोलो। ए कॉमा बी अगर पॉइंट है तो इस साइड आएगा ए और यहां से बी ऊपर कितना आएगा आएगा, सर, बी बी बी, है ना, बी बी। अब मान लो हमको अगर ये बोला जाए कि ये जो पॉइंट है ए, इसको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो, कितना होगा इसका, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो तो वो कितना आएगा, ओ ए, ये कितना होगा बताओ। बता सकते हो कोई, धनीराम बीएस बोलो। ये प्लस या रूटन। होगा ना यस सर, हाँ सर, थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। यस सर, हाइपोथेनस स्क्वायर इक्वल पाइथागोरस, टू यस सर, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर स्क्वायर और हाइट स्क्वायर, जो भी बोल सकते हो। तो ये अगर हमको अगर हाइपोथेनस निकालना है तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना, यस सर, ये ओरिजिन यस, से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट इस वैल्यू के द्वारा, किसी भी वैल्यू के। तो मान लो और एक पॉइंट में ले रहा हूं, बताओ तो ये कितना होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4 फ्रॉम द ओरिजिन, फिर डिस्टेंस कितना होगा बताओ, फाइव होगा सर, रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, है ना, इज 5। ये समझ में आ रहा है ना। ओके। यस सर, यस सर, इसके अलावा मैं हमने और एक चीज दिखाए थे, अगर ओरिजिन ना होकर कोई और पॉइंट होगा तो तो सर X2 -X1 और Y2 -Y1। गुड। इसको हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो क्या है, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए बी डिस्टेंस कितना होगा, रूट अंडर X X2 -X1 होल स्क्वायर प्लस
वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ इसको सर, हम लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये बस इसके डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि ज्यादा तो यहाँ पर लिखना नहीं है, बस ये लिखना है एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। यहाँ पर मान लो कोई एक अगर एक्स वन को पहले लिखता है, एक्स टू को बाद में लिखता है, वाई वन को पहले लिखेगा तो वाई टू को बाद में लिखेगा, तो भी आंसर सेम ही आना है। क्यों आना है? क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है ना, यस सर। इसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि एक्स टू को पहले ही लिखना है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ये कोई मतलब कंपलसरी नहीं है कि हमको एक्स टू को पहले ही लिखना है, क्योंकि हम जिस पॉइंट को एक्स वन एक्स टू मानेंगे मान के चलेंगे उसी को पहले लिखेंगे ना। तुमको दो पॉइंट दिया गया है, अब कोई पहला पॉइंट को एक्स वन वाई वन बोल सकता है, कोई दूसरा पॉइंट को भी एक्स वन वाई वन बोल सकता है ना। हाँ सर, लेकिन स्क्वायर हो जाएगा तो फिर हाँ, वो सर। लेकिन आखिर में आंसर सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि आखिर में तो ये स्क्वायर है, तो अगर अंदर अगर नेगेटिव भी आता है तो वो पॉजिटिव भी हो जाएगा आखिर में, ठीक है ना। अब इसके हिसाब से ये कितना होगा बताओ, डिस्टेंस बिटवीन 3 4 एंड माइनस वन माइनस थ्री, इन दोनों पॉइंट का भी डिस्टेंस कितना होगा बताओ। तो पहला पॉइंट को मान लो ए और दूसरा पॉइंट को मान लो बी। मैंने पहले ही बताया था कि जब भी दो पॉइंट का बीच डिस्टेंस निकालोगे तो पहले पॉइंट का नाम देना जरूरी है, ठीक है। अगर नाम नहीं दोगे तो बहुत लिखना होगा, मैंने बताया था ना पहले, अगर यस नाम नहीं दोगे तो बहुत लिखना होता है, और अगर नाम दे दोगे तो ज्यादा लिखना नहीं है, बस ए बी लिख के। हाँ सर, रूट अंडर 65 है सर। तो कितना होगा ये बोलो, एक्स टू माइनस एक्स वन यस सर, एक्स माइनस माइनस वन वन होल माइनस सिक्स का होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस माइनस वाई एट वन। माइनस फोर गुड, सो ये कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, 16 रूट अंडर 16 प्लस 49, तो कितना होगा ये रूट अंडर 65। रूट अंडर 65, समझ में आया। यस सर। इस तरह से दो पॉइंट का भी डिस्टेंस निकाला जाता है। अब नेक्स्ट जो है ये तो हो जाएगा दो पॉइंट का भी डिस्टेंस, अब हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स वन वाई वन बी एक्स टू वाई टू और सी एक्स थ्री वाई थ्री। तो ये ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, ए बी सी ट्राइंगल का। पता है कि भूल गए हो? हाफ इनटू ए बी इनटू ए बी सी प्लस याद सी। है सर, x1 इज इक्वल टू हाफ एक्स वन इज इक्वल टू कितना आ रहा है हाफ इनटू द बोलो, हाफ हाफ इनटू मॉड ऑफ। x1। यस सर। अच्छा इसको मैंने लिखने का एक तरीका बताया था ना यस सर। अर्पित, यस सर बताए थे। वो तरीका याद है? हाँ सर। तो क्या लिखना होता है पहले, सर एक साइड एक्स और एक साइड वाई, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, और फिर से x1 y1। ठीक है ना। तो यस पहले सर, कौन सा x1 लिखना है, एक्स का पहले x1 लिखना है ना, यस सर, x के साथ y को y सर और और x3 फिर के साथ बाद में क्या लिखना है, y के वाई साथ। को लिखना है, वाई को लिखना है, ठीक है। यस सर। तो क्या होगा पहले, एक्स वन वाई टू यस सर। प्लस एक्स टू वाई थ्री प्लस x2 y3 एक्स थ्री वाई वन, x3 y1। बीच में माइनस, फिर जाएगा वाई का, वाई वन एक्स टू प्लस वाई टू एक्स थ्री प्लस y2 y3 वाई थ्री एक्स वन मॉड, समझ में आया।
यस सर, यहाँ पर मॉड इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर कहीं भी नेगेटिव आ जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा आखिर में, इसलिए ये मॉड दिया जाता है। ठीक है ना, यस समझ आया सर, ना? ओके, अब एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल तो बताओ इसका एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना होगा बताओ? हाफ मोड। इसको पहले लिख लेते हैं यस सर, तो आसानी हो जाएगा। टू यस थ्री सर, 2 3 माइनस वन माइनस टू माइनस माइनस फोर टू माइनस फोर यस एंड सर टू थ्री। माइनस 2 3 तो पहले क्या करना है, इसको मल्टीपल करना है सर, तो माइनस हाफ फोर मॉड ऑफ कितना होगा? माइनस फोर माइनस फोर, प्लस ये कितना होगा? माइनस माइनस फोर फोर, ये माइनस सिक्स माइनस सिक्स। गुड, फिर बीच माइनस में होगा माइनस, यस फिर इधर का माइनस 3 प्लस 4 और माइनस प्लस 8 थ्री प्लस फोर प्लस 8 एट। गुड, तो हाफ मॉड ऑफ टेन माइनस माइनस 14 फोर्टीन माइनस, ये कितना होगा? बारह इंटू नाइन। सेवन सर, 6 प्लस 4 10। वो नाइन होगा ना? यस यस सर, 8 है ओके, तो माइनस सर। फोर्टीन माइनस नाइन, देयरफॉर हाफ मॉड ऑफ माइनस ऑफ 23, तो ये 23/2 होगा ना? यस सर, दैट इज इक्वल टू 11/1/2 स्क्वायर यूनिट। क्यों? क्योंकि एरिया निकल रहा है तो स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, यस सर, यस सर। अब हम लोग दिखाएंगे कोलिनियरिटी का एक एग्जांपल दिखाएंगे। कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है? जो एक ही लाइन यस, पे सारा, मतलब जो पॉइंट एक ही लाइन पे होगा उसे हम लोग एक बोलेंगे कोलिनियर। ठीक है ना, तो वो किस तरह से प्रूव करेंगे? बता सकते हो कोई? हाँ, मिड पॉइंट थ्योरम से सर। मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूफ कर सकते हैं। कैसे करेंगे? बोलो कैसे करेंगे? यहां पर बोला गया है प्रूव दैट द पॉइंट्स माइनस वन माइनस फाइव टू फोर एंड जीरो माइनस टू आर कोलिनियर। तो ये कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे? ये सर, बहुत ये इंपॉर्टेंट ट्रायंगल ट्रायंगल वाला भी फार्मूला फॉर्मूलेशन से कर आपका। सकते हैं हाँ, तो सर। कैसा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर? यहाँ ट्रायंगल वाला भी फार्मूला यूज करके इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो उसमें भी आ जाएगा गुड, सर। वेरी गुड। क्यों? अगर तीनों लाइन, तीनों पॉइंट अगर एक लाइन पे होगा तो ये जो ट्रायंगल होगा ये एरिया जीरो होगा, क्योंकि ट्रायंगल कोई होगा ही नहीं। होगा, ये थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाएगा तो ट्रायंगल हो जाएगा, है ना? है ना, यस और नो? अगर यस सर, मिडिल वाला पॉइंट थोड़ा सा भी अगर ऊपर नीचे हो जाएगा तो ट्रायंगल हो जाएगा ना, हाँ सर, लेकिन अगर तो ये लाइन के ऊपर जीरो ही होगा जाएगा तो सर। ट्राइंगल नहीं होगा। यस नो? यस सर, यस ओके, सर,
हमको क्या करना है, वो जो ट्रायंगल होगा अगर उसका एरिया जीरो आता है तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होगा। हाँ सर, तो हमको क्या निकालना है, ये तीनों का जो एरिया ट्रायंगल ऑफ होगा ट्रायंगल उसका निकालेंगे एरिया सर। निकालना है। अगर एरिया अच्छा जीरो आता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। समझ में आया? ओके, तो हम लोग लिख लेते हैं पहले, एरिया ऑफ द ट्रायंगल -1 -5 2 4 एंड 0 -2। तो ये कितना होगा बताओ, हाफ मॉड ऑफ, मॉड इसको लिख लेते हैं साइड पे, -1 into 4 -1 -5 -1 into 4 2 4 0 -2 एंड -1 -5। तो बताओ, -1 into 4 +2 into हाँ ये -2 हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 0 जीरो माइनस। अब इस साइड का देखो, गुड, -10 हो जाएगा सर, +0 हो जाएगा, -10 +2 +0 और ये हो जाएगा -2 +2। जाएगा +2 सर। तो ये हो जाएगा हाफ मॉड ऑफ ये -8 और ये माइनस ऑफ, ये हो जाएगा -8। ये कितना हो जाएगा, जीरो जीरो। देयरफोर मतलब ये कोलिनियर है, द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर। ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम तुम लोग को मिल जाएगा कि तुमको कोलिनियरिटी प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तीनों पॉइंट का लेके जो ट्रायंगल होगा उसका एरिया निकालेंगे। अगर एरिया जीरो आता है तो बोल सकते हैं कि जो तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा, और अगर जीरो नहीं आता बिल्कुल है तो मतलब कोलिनियर नहीं है। क्लियर हो गया ना, यस सर, क्लियर हो गया सबको अभी? यस सर, क्लियर है। ओके, तो ये तो हो गया कोलिनियरिटी की कंडीशन। अब क्या निकालना है, सर पार्टीशन। जब पेज एक बार सर हाँ जो बोलो। दिखा लिखाए थे सर, वो जो पिछला था पेज एक बार उल्टा ही ना सर। अच्छा ये वाला, हाँ सर, क्या लिख रहे हो तुम? ठीक वो सब बना रहे थे, वो मैच कर रहे थे। ठीक है सर, ठीक है ना, मैं डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है, आज शाम तक ये ग्रुप पे डाल दूंगा मैं। ओके, अब आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सीजी कैसे निकाला जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पता है किसी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकाला जाता है? x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला जाता है इस तरह से, x1 + x2 + x3 / 3, y1 यस प्लस y2 + y3 / 3। मतलब तीन पॉइंट है ना यहाँ पर, तो तीनों को यस ऐड सर, करके बिल्कुल उसका तीन से मल्टी डिवाइड करना है, यस सर। ठीक है ना। जहाँ पे टू पॉइंट रहेगा वहाँ पे टू पॉइंट सर। उसी तरह से अगर रेक्टेंगल होगा या फिर टेट्राहेड्रन होगा या कोई भी होगा, अगर चार पॉइंट अगर होता है तो क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होगा? x1 x2 x3 x4 by 4 बाई फोर हो जाएगा सर, x1 + x2 + x3 + x4 / 4 बाई फोर वाई वन वन प्लस वाई टू प्लस वाई प्लस थ्री वाई प्लस थ्री प्लस वाई वाई फोर बाई टू फोर बाई फोर मतलब जितना पॉइंट होगा उसको ऐड करके उसी नंबर से डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। हाँ मतलब एक तरह से एवरेज सर, दोनों को एवरेज करके निकाल देना बोलो बोलो। है, एक तरह से एवरेज निकालना होगा सर। हाँ मतलब एवरेज निकालना है, पॉइंट का एवरेज निकालना है, उसी हो वही होगा तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी। अब इसी तरह से मान लो एक ट्राइंगल यहां पर है, ट्राइंगल
तो यहां से सी कोऑर्डिनेट का सी कोऑर्डिनेट कितना होगा? बोलो सी का कोऑर्डिनेट कितना होगा? यहां से ए कोऑर्डिनेट 2.3, बी है 1.2, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना है 3.4, तो ये सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? क्या ये हो जाएगा? धनीराम हाँ सर हो जाएगा। हो जाएगा, कैसे होगा? सर सेंटर अब 3 और 4 है, उसको एक्स और वाई मान लेंगे। गुड, इसको इसी को मान लो एक्स, ये मान लो x1 y1, x2 y2, तो ये मान लो x3 y3, ठीक है ना? तो यहां से क्या बोल अच्छा सकते हैं, 3 इक्वल टू कितना होगा? x1 + x2 + x3 / 3 होगा ना, यस सर, और 4 इक्वल टू कितना होगा? वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री y1 प्लस अब y2 सबका वैल्यू बस पुट कर देना है। x1 कितना है प्लस और x2 वन। वन, तो 2 + 1 + x3 / 3, और यहां से 4 इक्वल टू कितना होगा? 3 + 2 + y3। समझ में आ रहा है? यस तो दैट इज ये कितना होगा, 9 = 3 + x3 और सिक्स सिक्स इक्वल होगा टू सर, और यहां से वाई कितना निकलेगा? y7 निकलेगा सर। गुड, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज कितना होगा? 6.7। क्लियर हो गया? यस सर क्लियर है। तो इसी तरह से सबको तुम लोगों को सॉल्व करना है प्रॉब्लम जितना भी होगा। यस सर, और भी है सर, ये इतना ही है। बस मैक्सिमम कोऑर्डिनेट सिस्टम में इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी सब जो भी होगा वो यहीं से निकल के आ जाएगा। जैसे कि मान लो हमको ये प्रूफ करना है, एक ट्राइंगल हमको प्रूफ करना है कि ये राइट एंगुलर ट्राइंगल होगा, कैसे प्रूफ करेंगे? एक हाँ सर एरिया, पैरेललोग्राम होगा कैसे प्रूफ करेंगे, स्क्वायर होगा कैसे प्रूफ करेंगे, रेक्टेंगल होगा कैसे प्रूफ करेंगे, रोम्बस होगा कैसे प्रूफ किया जाए, ठीक है ना? तो वो मैं एक बार जस्ट रिमाइंड कर देता हूँ, तो तुम लोग को शायद वो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लो दो पॉइंट का बीच हम लोग डिस्टेंस और निकाल सकते हैं ना, हाँ सर वो तो निकाल सकते हैं। तो उसी के द्वारा, उसी के सहायता से हमको ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? मान लो यहाँ पर 3 पॉइंट है, ए बी और सी। मान लो ये मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, ये जस्ट मैं लिखा रहा हूं समझने के लिए। तो अगर हमको ये बोला जाए दैट प्रूव दैट द ट्राइंगल इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, इसका मतलब क्या है? दो साइड इक्वल होता है सर, साइड आइसोसेल्स इक्वल होगा, एक होता साइड अनइक्वल होगा, है ना? है। यस सर तो हमको क्या करना है, ए बी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, एसी का निकालना है और बीसी का निकालना है। यस सर तो हाँ वहां सर, पर और हम लोग क्या किसी दो लिखेंगे? हाँ, को वहां पर हम लोग दिखेंगे कि बताओ दो लाइन एक ही आ रहा है, दो लाइन का लेंथ सर। सेम होगा। दो तो उसी से हम लोग बोल सकते लाइन हैं दैट ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। और ट्राइंगल, हमको ये बोला जाए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो क्या होगा? अगर ये बोला जाए प्रूव दैट इक्विलेटरल तो द तीनों साइड इक्वल होगा सर, इक्विलेटरल तीनों ट्राइंगल, साइड इक्वल होगा, तीनों हाँ तो तीनों साइड साइड इक्वल इक्वल होगा। मिलेगा, तो निकाल के देख लेंगे। अगर इक्वल हो जाता है तो तो बोल इसमें देंगे कि सर भाई ये ट्राइंगल पैरेललोग्राम इक्विलेटरल है। होगा, हाँ उसी तरह पैरेललोग्राम तो से, नहीं आएगा सर, ट्राइंगल ही आएगा ना सर। नहीं, पैरेललोग्राम भी होता है, मैंने बताया था तो उसमें स्क्वायर। सर फिर एरिया, उसका एरिया सर निकालने के लिए वो फॉर्मूला तो काम नहीं करेगा सर। नहीं, एरिया निकालने का फॉर्मूला सेम है जैसे ट्राइंगल का निकाला है ना, ट्राइंगल अच्छा का इसमें भी निकाल के ऐड एरिया कर जैसे देंगे निकाला है उसी तरह से रोम्बस का या इसका भी निकाल सकते हैं। उसको सर, भी इस तरह से लिखना होगा, डायगोनल देंगे, एक्स वन डायगोनल वाई देके और वन दोनों का एरिया एक्स ऐड कर टू वाई देंगे। टू एक्स थ्री वाई थ्री
एक्स फोर वाई फोर, फिर हो जाएगा एक्स वन वाई वन, ठीक है ना। सेम प्रोसेस जैसे ट्राइंगल का निकाल रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से इसका भी निकालना है, ओके सेम, और ठीक है ना। माइनस कर देना है सर। हाँ एकदम सेम, जैसे वहां ट्रायंगल का एरिया जैसे निकाला है बिल्कुल उसी तरह से इसका भी एरिया निकालना है, सेम प्रोसेस, तो उसमें सर ठीक हाफ इंटू मॉड, है। मॉड के हाँ अंदर रखते हैं एक्स हाफ सेवन वन टू वाई फाइव टू एक्स टू वाई थ्री एक्स थ्री वाई फोर एक्स फोर वाई वन, फिर बीच में माइनस वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री एक्स फोर वाई फोर एक्स वन, ठीक है, ओके सर। सेम ओके सर एकदम बहुत सेम। सर हाँ अब ये यहाँ पर जो बोल रहे थे अभी तक कि अगर मान लो ये चार पॉइंट है, अगर हमको ये बोला जाए प्रूव दैट ए बी सी डी इज एन पैरेललोग्राम, तो हमको क्या करना होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब हम ए बी निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे, यस सर। तीनों चारों साइड का लेंथ निकालेंगे, तो फिर हम लोग क्या दिखेंगे, हम लोग को ये दिखेंगे दिखना है कि दो साइड उसका इक्वल आ रहा दो है, ये साइड दो साइड इक्वल आएगा, तो सर हम लोग बोल सकते हैं कि वो ओके पैरेललोग्राम होगा, सर। ठीक हाँ है ना। सर अब इसके अलावा और भी कुछ होता है ना, अब हमको ये बोला जाए कि रेक्टेंगल होगा कैसे प्रूफ करेंगे, स्क्वायर होगा कैसे प्रूफ करेंगे, तो अगर हमको ये रेक्टेंगल बोला जाए वेवल्स प्रूफ अपोजिट दैट साइड इक्वल होगा एबीसीडी इज सर, एन, दो हाँ अगर हमको ये बोला जाए प्रूफ दैट एबीसीडी इज एन रेक्टेंगल, तो हमको क्या करना है, और चारों डायगनल साइड तो निकालना ही है जरूर, और उसके साथ और क्या निकालना है, ये दो डायगनल भी निकालना है। हाँ डायगनल तो ये दोनों डायगनल भी क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा फिर सर। एबीसीडी क्या है, रेक्टेंगल। उसी तरह से अगर हमको ये बोला जाए प्रूव दैट एबीसीडी इज ए स्क्वायर, तो चारों कैसे साइड प्रूव इक्वल करेंगे, होगा सर, एडी चार साइड इक्वल होगा तो क्या हम लोग स्क्वायर बोल बीसी, सकते हैं, बस उसका डायगनल भी इक्वल होगा सर। डायगनल भी इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि रोम्बस का भी तो चार साइड इक्वल होता है ना, हाँ सर लेकिन रोम्बस का डायगोनल इक्वल नहीं होता है, यस सर। हाँ सर स्क्वायर वही तो होता है, ठीक है ना। तो बस हमको ये सर। चीज हमको बस याद रखना है कि स्क्वायर होने के लिए क्या होना जरूरी है, रोम्बस होने के लिए क्या होना जरूरी है, बाकी सब तो एक ही है ना, बस खाली दो पॉइंट का भी डिस्टेंस ही तो निकालना है ना, और तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर, बस दो पॉइंट का भी डिस्टेंस निकालना है, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है, ए सी निकालना है, बी डी निकालना है, ये सब डिस्टेंस वगैरह निकालना है। निकालने के बाद क्या करना होगा, देखना होगा कि स्क्वायर के लिए क्या कंडीशन है, रोम्बस के लिए क्या कंडीशन है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है हम लोग को बोल देंगे क्या स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा, ठीक है। यस ओके तो चलो कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक सबको, थैंक यू सर, बहुत कुछ बता दिए सर। ठीक है, चलो आगे भी बताते रहेंगे, क्वेश्चन करोगे तो अपना पता हाँ सर चलेगा, रिवाइज रिवाइज हो गया था ना, हो जाएगा, होगा सर, ठीक है ये ठीक है, चैप्टर छूट ओके गया था सर मेरा। कोई बात नहीं, फिर से थैंक हो यू जाएगा, सर। बहुत टाइम अभी बचा है।